नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर आज का खास प्राइम शो। आज हम आपको बताएंगे कि भोजपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा होने और नाबालिगों को विधायक के पास भेजे जाने के मामले में किन तीन लोगों के नामों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कहां पर एक व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई, वहीं पर दिन दिहाड़े 5 बदमाशों ने हरियाणा में 2 व्यापारी को कैसे लूटा और आयकर विभाग अधिकारियों और कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों में किस बात को लेकर बुधवार को आज विवाद हो गया। इसके अलावा आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों में क्या रहेगा मौसम का हाल। वहीं आपको बताएंगे कि जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने आगामी चुनावों को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर पर। भोजपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा होने और नाबालिग को एक विधायक के पास भेजे जाने के खुलासे के साथ जिले की सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं इस बात की चर्चा में आने के बाद कई खुलासे और भी हो रहे हैं। इस धंधे के 3 किरदारों का नाम खास तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें लाली, जीजा उर्फ संजय और अनीता हैं। इस मामले में भोजपुर पुलिस की हत्या चढ़ी। संदेश थाना क्षेत्र के मनिक्ष गांव निवासी संजय राम की पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि वह पटना में संजय पासवान उर्फ पंडित उर्फ जीजा के कहने पर लड़कियों को गलत काम के लिए भेजती थी, साथ ही उससे भी देह व्यापार का धंधा करवाया जाता था। जानकारी के अनुसार अनीता ने यह भी बताया कि सेक्स रैकेट के धंधे में लिप्त सभी लड़कियों को पटना में रामलखन पथ स्थित भोजपुर कॉलोनी में रखा जाता था। वहीं से संजय पासवान के कहने पर लड़कियों को सफ़ेद पोशों के पास भेजा जाता था। अनीता देवी ने बताया कि 1 महीने के भीतर बच्ची को आरा के एक इंजीनियर के पास और विधायक के फ्लैट पर संजय के कहने पर भेजी गई थी। इसे लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है और ख़ासतौर पर वहाँ पर बिहार के अंदर इसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। अब खबर गुड़गांव से जुड़ी हुई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 31 वर्षीय युवक की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल आज सुबह तकरीबन 10 बजे गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि अमर कॉलोनी के सुनसान इलाके में एक युवक की लाश पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हत्या पुलिस चौकी के पीछे के ऑटो मार्केट के गड्ढों में की गई। मृतक युवक के सिर पर कई बार वार किया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वहीं इस मामले में एसपी क्राइम का कहना है कि मृतक युवक की पहचान सर्वेश के तौर पर हुई है। उसकी उम्र 31 साल है और वह यूपी के औरैया का रहने वाला है। फिलहाल अपने परिवार के साथ गुरुग्राम की फिरोज गांधी कॉलोनी में रहता था। पुलिस की माने तो वह कल सुबह अपने घर से रबड़ की फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। रात भर जब घर नहीं पहुंचा, लेकिन बुधवार को सुबह उसका जो शव था वह खून से लथपथ हालत में पाया गया। हालांकि आसपास सीसीटीवी कैमरे के ना होने के कारण भी पुलिस के लिए मामले का खुलासा करना एक चुनौती बना हुआ है। अब देखना यह है कि गुरुग्राम पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस की हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझा पाती है। खबर हरियाणा के सिरसा से। सिरसा में दिन दिहाड़े बुधवार को 5 आरोपियों ने आरती की दुकान से 13 लाख रुपए लूट लिए। आरोपी कार में सवार होकर आए थे। एक आरोपी कार में बैठा रहा जबकि 4 दुकान में घुस गए। उन्होंने पिस्टल व अन्य नुकीले हथियार के दम पर 2 व्यापारियों को पहले बंधक बनाया, फिर उनकी पिटाई की। इसके बाद तिजोरी से 13 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। आरोपी सीसीटीवी फुटेज से भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरसा नई अनाज मंडी में सूरजभान सोहनलाल बांसल की 1 नंबर आरती की दुकान है। इस दुकान पर मालिक विनोद और दयानंद दोनों व्यापारी बैठे थे। आज दोपहर लगभग 1:15 बजे 4 युवक अचानक दुकान में घुस आते हैं। 2 के हाथ में रिवॉल्वर थी और 2 के हाथ में नुकीले हथियार थे। बदमाशों ने आते विनोद और दयानंद को बंधक बना लिया। इसके बाद पिटाई की और तिजोरी में रखे 13 लाख रुपये लूटकर फरार हुए। जाते हुए आरोपी ने दोनों व्यापारियों को कमरे में बंद कर दिया और सीढ़ियों का गेट भी बाहर से बंद कर गए। बाहर कार में एक आरोपी पहले से तैयार खड़ा था। एक एक करके आरोपी कार में बैठे और फरार हो गए। हालांकि पास के एक व्यक्ति को शक हुआ तो इसकी जानकारी उसने लोगों को दी और जब दरवाज़ा खोलकर ऊपर पहुँचे तो व्यापारी लहूलुहान अवस्था में दुकान में बंद थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो है मौके पर पहुँच गई। अब लुटेरों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कल यानी मंगलवार को कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास और अन्य स्थानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापे मारे थी, लेकिन यह छापामार बुधवार को भी जारी रही। 30 घंटे से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई का घर जो है आज इनकम टैक्स विभाग की टीम खंगालती रही। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं विधायक कुलदीप बिश्नोई।
और उनकी पत्नी भी विधायक है, यानी कि कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास और प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की टीम पिछले 30 घंटे से जांच कर रही है। बुधवार दोपहर टीम के कुछ सदस्यों और बिश्नोई समर्थकों के बीच विवाद भी हो गया। पुलिस ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया। बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक भी टीम द्वारा जांच जारी थी। आयकर विभाग की रेड दिल्ली में भी चल रही है। कुलदीप हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे आयकर विभाग के कुछ कर्मचारी लैपटॉप और बैग लेकर कुलदीप बिश्नोई के घर पहुंचे। बिश्नोई समर्थक बैग और लैपटॉप की जांच करवाने की बात कहकर अड़ गए। उनका कहना था कि टीम इनकी जांच करवा कर अंदर जाए, क्या पता वे खुद कोई चीज़ अंदर ले जाएं और फिर उसे ही बरामदगी में दिखा दें। इसी बात को लेकर टीम और बिश्नोई समर्थकों के बीच विवाद हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर टीम को अंदर प्रवेश करवाया। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की इस कार्रवाई को सर्वे नहीं कहा जा सकता, यह छापेमारी की कार्रवाई के बाद सर्च ऑपरेशन है। आयकर विभाग की भाषा में सर्च ऑपरेशन सबसे देरी तक चलने वाली कार्रवाई होती है, जिसमें उस व्यक्ति सभी प्रकार के कामकाज, प्रतिष्ठान, आवास तक यहाँ के निकटतम लोगों को भी सर्च में शामिल किया जाता है। आयकर विभाग के अधिकारी इस मामले में मिले दस्तावेज डायरी रिकॉर्ड को जब्त कर अपने साथ लेकर दिल्ली जाएंगे, जहाँ इन्वेस्टिगेशन विंग इन सभी रिकॉर्ड पर असेसमेंट का काम शुरू करेगी। कारोबार से जुड़े लोगों के बयान लिए जाएंगे। आदमपुर में कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को आयकर विभाग की टीम ने कल सुबह से ही घर में रखा हुआ था। देर शाम स्थानीय लोगों ने चिंता की तो भव्य को बाहर भेजा। विधायक के दिल्ली में डायमंड के बड़े कारोबार को लेकर आयकर विभाग नजर रखे हुए था, इसलिए ऑपरेशन की पूरी रूपरेखा दिल्ली में बनी। आयकर विभाग के 50 अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीमें मंगलवार सुबह 4 बजे ही हरियाणा के लिए रवाना हो गई थी। खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में एक प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के 16 लाख रुपये ना चुकाने पर डिस्ट्रिक्ट अदालत ने एक शख्स के घर के सामान अटैच करने के ऑर्डर दे दिए। मनीमाजरा के रहने वाले अजय वीर सिंह दुग्गल ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को 16 लाख रुपए चुकाने थे, लेकिन उन्होंने जब यह रकम नहीं चुकाई तो कंपनी ने दुग्गल के खिलाफ अदालत में केस फाइल कर दिया। अदालत ने दुग्गल को कंपनी के पैसे लौटाने के निर्देश दिए, लेकिन जब उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने तो कंपनी ने एक अन्य पिटीशन फाइल कर दी। कंपनी ने कोर्ट से प्रॉपर्टी और घर का सामान अटैच करने की मांग की। कोर्ट ने दुग्गल की कार को अटैच करने के ऑर्डर कर दिए। सिर्फ कार नहीं, कोर्ट ने उनके घर के 2 डबल बेड, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट, 2 LED TV, सोनी म्यूजिक सिस्टम, पंखे, लैपटॉप, कंप्यूटर तक अटैच करने के निर्देश दिए। दुग्गल पर कोर्ट में और भी केस चल रहे हैं, उस पर 25 से ज़्यादा तो चेक बाउंस के केस थे, जिनमें से कई का निपटारा हो चुका है। दुग्गल पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी केस दर्ज है। दुग्गल की पत्नी ने 2 मार्च 2019 को घर में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने दुग्गल के खिलाफ 498-306 के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट के ऑर्डर पर जब स्टाफ दुग्गल के घर का सामान अटैच करने पहुंचा तो उन्हें घर पर ताला लगा मिला। दुग्गल पहले ही घर पर ताला लगाकर जा चुके थे। इस पर कंपनी ने कोर्ट से उसके घर का ताला तोड़वाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी, जिस पर कोर्ट ने ताला तोड़ने के आदेश जारी किए। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होनी है, लेकिन माना जा रहा है कि अब अदालत और सख्त कार्रवाई कर सकती है। बात करते हैं मानसून और बारिश से जुड़ी हुई। मानसून सीजन में 23 जुलाई यानी कल तक 111.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस अवधि में 161.5 सेमी बारिश सामान्य मानी जाती है। अब तक 31% कम पानी बरसा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से ब्रेक के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। 24 यानी कि आज से 26 तक कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके लिए 13 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कहीं कहीं आसमानी बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के मुताबिक मध्य प्रदेश में मजबूत सर्कुलेशन बना है, यह हरियाणा पंजाब की ओर आएगा। इसमें खूब नमी होने से मानसून फिर सक्रिय होगा। 24 जुलाई के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जज्जड़, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला, अंबाला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 और 26 जुलाई को सभी जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। अब बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला ने अपने गांव यात्रा अभियान की आज बुधवार को शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने की नीति लागू की जाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में JGP सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने अपने गांव यात्रा अभियान का शुभारंभ बहादुरगढ़ क्षेत्र के कनौदा गांव से किया। दुष्यंत चौटाला का गांव में पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने चौपाल में लोगों से स्वागत किया। इस दौरान वह कुछ लोगों के घरों पर गए और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया।
दुष्यंत ने लोगों से फसल, पशु, परिवार, समाज, बच्चों की शिक्षा, रोजगार से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार को भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राज्य में निजी क्षेत्र में ही स्थानीय युवाओं को नौकरियों में व्यवस्था देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जजपा सरकार में आती है तो युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देंगे। न सिर्फ युवाओं बल्कि नौकरियों में भी बेटियों की भी भागीदारी बढ़ेगी। अब हम यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि संसद में कश्मीर मुद्दे पर क्या हंगामा हुआ और कैसे गर्भवती महिला ने कैब में बच्चे को जन्म दिया और एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी की मात भाजपा का झंडा लगाने पर पिटाई कर दी। इसके साथ ही आपको बताएंगे जिस रूसी ब्यूटी क्वीन से शादी के लिए मलेशिया के किंग ने बादशाह छोड़ दी थी, अब उनमें किसी बात को लेकर तलाक हो गया और एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान को लेकर क्या बात कबूल की है, यह भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बस यूं गए और यूं आए। रास बसेरा आपको दे रहे हैं समय से पहले अपने घर की चाबी। रास बसेरा जो कि चीटी रोड NH1 तरावड़ी करनाल पर स्थित है, सभी सुविधाओं के साथ हाईली लग्जरी होम्स बहुत कम कीमत पर। 1 BHK की कीमत है मात्र 9,71,000 और 2 BHK मात्र 15 लाख में। मात्र 48,553 देकर आज ही अपने सपनों का घर बुक करवाएं, बाकी आसान किस्तों में। रास का सपना, सबका घर हो अपना। रास बसेरा, GT रोड NH1 तरावड़ी करनाल। ब्रेक के बाद समाचार एक्सप्रेस के इस प्राइम शो में आपका फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं हम खबरों की। अमेरिका पर राष्ट्रपति अमेरिका की बात करेंगे। कश्मीर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए बयान पर आज बुधवार को भी लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आकर बताना चाहिए कि आखिर उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कश्मीर को लेकर क्या बात हुई थी। हंगामे के बीच में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से जब भी कभी भी इस मुद्दे पर बात होगी उस वक्त केवल कश्मीर पर ही बात नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कोई मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। राजनाथ सिंह ने माना कि जून में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है जबकि विदेश मंत्री पहले इस मामले में अपना बयान दे चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुए शिमला समझौते के बाद कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय हो गया था, इस मुद्दे पर कोई भी तीसरा पक्ष सामने आ ही नहीं सकता है। अगली खबर गाजियाबाद से।
गाजियाबाद से दिल्ली आ रही एक गर्भवती महिला ने कैब में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद कैब चालक समझदारी दिखाते हुए दोनों जच्चा और बच्चा को लेडीज अस्पताल ले गया, जहां दोनों को भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों स्वस्थ हैं और डिलीवरी के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। कैब ड्राइवर संदीप त्यागी ने बताया कि उसकी बुकिंग नहीं थी, सेक्टर 62 से इन्हें कलावती अस्पताल जाना था। मैंने जब इनकी हालत ख़राब देखी तो उसने इन्हें ले जाने का फैसला किया। रास्ते में जाम था, लेकिन जब आईटीओ तक पहुंचा तो लाल बत्ती थी, तब मां ने कैब में बच्चे को जन्म दे दिया। महिला के परिवार के 4 लोग भी साथ थे। बच्चे की किलकारी सुनकर जहां परिवार के लोग खुश थे, वहीं घबरा भी रहे थे। तुरंत महिला को और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग गाजियाबाद से 25-30 किलोमीटर का सफ़र तय करके अस्पताल पहुँचे थे। यह काफ़ी खतरनाक हो सकता था, लेकिन अब दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। अब खबर आ रही है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां आपसी विवाद के बाद पति पत्नी के साथ पड़ोसी ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने पिटाई कर रहे आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। गांव के राकेश राय गांव में पहले से अवैध बेचने का काम करता था, जिसके ऊपर पहले से ही अवैध शराब बेचने के मामले दर्ज हैं। राजा राम राय ने इसका पहले भी विरोध किया और इस मामले की शिकायत थाने में की थी, जिस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। राजा राम और उसके परिवार के लोगों ने राकेश राय के साथ मारपीट कर दी। राकेश को बचाने की पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। देखिए पहले मारपीट का सीन दृश्य। अवैध शराब बेचने के आरोपी राकेश राय का कहना है कि हम पहले अवैध शराब बेचते थे, लेकिन अब हमें अवैध शराब नहीं बेचते, फिर भी ये हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं और ये हमें भाजपा का झंडा लगाने के लिए मना करते हैं। राजा राम कांग्रेस पार्टी का और इसलिए कहता है कि तुम भाजपा का झंडा निकालो, और भाजपा का झंडा नहीं निकालने पर विवाद भी करता है। दुनिया में कई ऐसे सिरफिरे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने इश्क और दौलत में से जब एक को चुनने की नौबत आई तो शायद दौलत को ही चुना होगा, लेकिन हम जिस शख्स की आप बता रहे हैं उसने इश्क को चुना और दौलत छोड़ दी। ऐसी कहानी है मलेशिया के केलातन के पूर्व राजा सुल्तान मोहम्मद फाइव की। उन्होंने मिस मास्को रह चुकी रिहाना उकसाना वोवोदीना से शादी करने के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दी। अब खबर है दोनों अलग हो गए हैं। इस हफ्ते मलेशिया मीडिया द्वारा खबर दी गई है 1 जुलाई को दोनों का तलाक हो गया। मीडिया में आई खबरों की माने तो जैसे इस दंपत्ति को बच्चा पैदा हुआ और उसके कुछ ही सप्ताह बाद सुल्तान ने अपनी पत्नी को भी तलाक दे दिया। दोनों के बीच तलाक 1 जुलाई को रजिस्टर किया गया था। दोनों 3 तलाक के जरिए अलग हुए हैं। सिंगापुर में तलाक पंजीकृत किया गया है। मिस मास्को ने सुल्तान से शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था और उन्होंने इस्लाम धर्म भी स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम बहुल देश में ऐसी शादी के बाद विवाद उठने शुरू हो गए, और जब रूसी ब्यूटी क्वीन की महारानी बनने की बात आई तब राजशाही में बवाल खड़ा हो गया। वहाँ पर राजा की मॉडल बीबी की शादी से पहले के विवाद बाहर आने शुरू हो गए थे। इन सब के बीच सुल्तान जब देश लौटे तब उन्होंने गद्दी छोड़ने का फैसला कर लिया। यह एक बड़ा फैसला था। आपको बता दें कि साल 1957 में ब्रिटेन से आज़ादी पाने के बाद किसी भी राजा ने इस तरह से गद्दी नहीं छोड़ी थी। अपनी उम्र से लगभग 24 साल बड़े पति मोहम्मद से अपने बेटे के जन्म की पुष्टि की थी। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वोवोदीना ने बताया था कि इस जोड़े की शादी जून 2018 में हुई थी। इस जोड़ी ने पहली शादी निजी मुस्लिम समारोह में, दूसरी ग्रांट मास्को में की। वोवोदीना ने बताया कि एक दूसरे से मिले थे, दोनों के बीच फिर प्यार हो गया। 2017 में जब ये यूरोप में मिले थे तो एक जैकब नाम के व्यक्ति ने परिचय कराया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के टेलीफोन नंबर ले लिए। इसके बाद फ़ोन कॉल और चैटिंग होने लगी और फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। सुल्तान का कहना है कि उन्होंने जब वोवोदीना को पहली बार देखा तो तभी प्यार हो गया। हालांकि इस बीच वोवोदीना को न्यूयॉर्क में 1 साल की बाली का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। इसे लेकर जब वोवोदीना ने सुल्तान को बताया तो उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने से पहले कोई निर्णय ना ले। इसके बाद जल्द ही उसने अपने माता पिता के साथ मलेशिया आने का निमंत्रण दे दिया। अब बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर टीवी सीरियल दिल मिल गए से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री शिल्पा नंद एक चौंकाने वाले आरोप लगाने के बाद फिर से चर्चा में। इस धारावाहिक के बाद
वह करीब 4 साल तक इंडस्ट्री से गायब रही। अब अचानक उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट से सुर्खियां बटोर ली हैं। इस फेसबुक पोस्ट से उन्होंने अपनी सगी बहन साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस साक्षी शिवानंद की सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिल्पा नंद ने साल 2015 में अपने फेसबुक अकाउंट का नाम ओहाना आनंद रख लिया था। अब अपने इसी अकाउंट से उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे निजी जीवन में काफ़ी खलबली मची हुई है, जिसकी वजह उसकी बहन की सास है। उसके चक्कर में थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। टीवी अभिनेत्री का कहना है, कुछ दिन पहले की बात है जब उसकी मां ने अपनी समधन के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया था। अभिनेत्री की मां को ऐसे सबूत मिले थे जिससे जाहिर होता है कि उसकी समधन ने पति की हत्या खुद कराई है और पति को मरवाकर इंश्योरेंस के पैसे हड़प लिए। शिल्पा का आरोप है कि जैसे उसकी माँ ने बहन की सास की ओछी हरकत के बारे में पुलिस को बताया, वैसी सूरत ने हत्या की कोशिश शुरू कर दी। अभिनेत्री कहा कि औरत मुझे और मेरी माँ को मरवाना चाहती है, वह लगातार इसकी कोशिशें कर रही है। फिलहाल पुलिस इसकी मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उन्हें आतंक के खिलाफ लड़ने वाला कहा जाता, लेकिन अब इमरान खान ने जो कहा वह पूरी दुनिया आँख खोलने वाली है। इमरान ने जो सच बताया जिसे भारत बरसों से कहता रहा है, इमरान ने वो सच बताया जो पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने कभी नहीं माना। पहली बार इमरान खान ने कबूल किया कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन काम कर रहे थे, लेकिन कभी अमेरिका को ये सच्चाई नहीं बताई गई। आप पहले सुनिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान क्या कह रहे हैं। What we went through when we had 70,000 Pakistanis dying in this war on terror and we had billions and billions of dollars of loss to our economy and we were fighting the US war of terror. Because Pakistan had nothing to do with 9/11 or had Al-Qaeda was in Afghanistan. There were no militant Taliban in Pakistan. But we joined the US war. And unfortunately, where things went wrong, and where I blame my government, that we did not tell the US exactly the truth on the ground. Part of the reason was our governments were not in control. There were 40 different militant groups operating within Pakistan. इमरान खान इतना कह गए कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों का पर सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं था। इमरान का बयान वाशिंगटन से आया जहां अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है। अगली खबर शेयर बाजार से। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में 135 अंकों की गिरावट आई है। सुबह कारोबारी की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन बाजार अपने को संभाल नहीं पाया। अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 135.09 अंक गिरकर 37,847.65 पर बंद हो गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 60 अंक गिरकर 11,271 पर बंद हुआ। लगातार 4 कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक संकेत के साथ तो हुई, लेकिन मेटल, ऑटो और फार्मा सेक्टर में गिरावट की वजह से बाजार संभल नहीं पाया। कारोबार की शुरुआत में सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 75.48 अंक चढ़कर 38,58.22 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18.80 अंक बढ़कर 11,349.80 पर पहुंच गया था। दोपहर 11:45 तक सेंसेक्स में 258 अंकों की गिरावट आ चुकी थी। इसी प्रकार निफ्टी भी करीब 95 अंक नीचे चल रहा था। दोपहर तक मेटल सेक्टर में करीब 3% की गिरावट आ चुकी थी। ऑटो, एनर्जी, फार्मा, IT, इंफ्रा और MFSC जैसे सभी सेक्टरों में गिरावट का रुख देखा गया। अब बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास की। आज के दिन 1798 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन उत्तरी अमेरिका की पहली असेंबली वर्जीनिया हाउस बैसिज में शामिल हुए थे। 1793 में आज के दिन फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया था। 1823 में चिल्ली में दास प्रथा आज के दिन खत्म हुई थी। 1870 में अमेरिका में पहली रेल सेवा की आज से शुरुआत हुई थी। 2004 में आज के दिन इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए 7 वीजा कॉल सेंटर शुरू करने का फैसला किया था। 2005 में कोरियाई क्षेत्र को परमाणु हथियार से मुक्त करने के लिए उत्तर और कोरिया के बीच आम सहमति बनी थी। 1937 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का आज के दिन जन्म हुआ था। देशभक्ति से फिल्म बनाने वाले मनोज कुमार आज 82 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। मनोज कुमार ने अपने सौम्य और सशक्त अभिनय शैली से एक अमीर पहचान बनाई। फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए साथ साथ एक बात यह खास की ज़्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम भारत था। इस वजह से लोग उन्हें भारत कुमार भी पुकारते थे। हिंदी सिनेमा के लीजेंड मनोज कुमार का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी था। कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक दिन मनोज
दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने गए और फिर उनके किरदार से इतने प्रभावित हो गए कि उसी किरदार के नाम पर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार ने 1957 में बनी पहली फिल्म फैशन के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने भिखारी का रोल निभाया था। 1960 में मनोज कुमार की कांच की गुड़िया पहली बार उन्हें मुख्य भूमिका में लेके आई। मनोज कुमार ने देश प्रेम की भावनाओं पर केंद्रित फिल्में बनाई। शहीद उपकार, पूर्व और पश्चिम से शुरू हुआ उनका यह सफर क्रांति तक जारी रहा। उनकी फिल्मों ने आम दर्शकों से देश प्रेम का ऐसा जज्बा जगाया कि देश प्रेम, देशभक्ति को केंद्र में रखकर और भी फिल्मकार फिल्में बनाने लग गए। मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के, पद्मश्री, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी देश दुनिया के इतिहास की जानकारी। आज के प्राइम शो में इतना ही। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासतौर पर अपने बच्चों का। अब हमारी अगली मुलाकात होगी अगले कनकिकल के वीरवार के प्राइम शो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।